सबसे पहले हम इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड्स होते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे इस बाइक के बारे में। सो अभी हम किल स्विच और ये स्टार्ट। बहुत ही कड़क इसका एग्जॉस्ट साउंड है, आप लोग बताओ आप लोग कैसा लगा ये। सो दोस्तों, ये रही एक एडवेंचर बाइक जो कि 200cc सेगमेंट की आती है, आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाली है और साथ में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसका नाम है होंडा की CB200X जो कि एडवेंचर बाइक है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था, सो अभी मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ, फुल डिटेल्स आपको समझाऊंगा क्या क्या मिल जाता है सब कुछ। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। सो इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो आपको पड़ने वाली ये बाइक 1,44,400 रुपये और आपको ऑन रोड ये पड़ जाएगी, मतलब इंश्योरेंस एंड RDO का मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको, 1,70,065 रुपये। अगर आप एसेसरीज लोगे तो आपको 4,300 ऐड करना पड़ेगा, उसमें आपको हेलमेट मिल जाएगा, पार्किंग कवर, सीट कवर और लेग गार्ड जैसा भी एडिशनल एसेसरीज इसके साथ में आती है वो सब अब कुछ आपको इसके साथ में मिल जाएगी। और ऑन रोड प्राइस की बात के टोटल कैलकुलेट करके मैं बताऊं तो ये RTO इंश्योरेंस एंड एसेसरीज का तो आपको पड़ जाएगा टोटल 1,74,865 रुपये। सो आप लोग क्लियर हो गया प्राइस को लेकर। और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के फीचर्स, लुक एंड सब कुछ और क्या क्या इसमें आपको बेस्ट मिलता है अदर सेगमेंट के हिसाब से। सो अभी हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो आपको ऐसा कुछ मस्कुलर लुक मिल जाएगा जैसे अदर आपको एडवेंचर बाइक में देखने को मिलता है ज़्यादातर। इसमें आपको पहले विंडशील्ड मिल जाएगी जो आपको विंड प्रोटेक्शन से बचाती है और हेडलाइट की बात करें तो आपको LED मिलने वाले, अच्छा खासा आपको विजिबिलिटी मिलने वाला है इस हेडलाइट से, अच्छा खासा थ्रो मिल जाएगा, वो आगे मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं। और इंडिकेटर की बात, आपको नकल गार्ड पे इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि LED रहने वाले हैं, थोड़ा यूनिक सा स्टाइल है जो कि अलग देखने में लगते हैं। और अभी हम ये यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लग जाएगा और हेडलाइट पहले हम ऑन करके देख ही लेते हैं। सो अभी हम सबसे पहले बाइक को ऑन कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी और थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद ही हमें बाइक को ऑन करना चाहिए। और ये ऑन हो चुकी है बाइक और अभी हम सामने चल के देखते हैं, ये हेडलाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। और हाई बीम भी ऑन करके देख लेते हैं, ये रहा हाई बीम और पासिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं पासिंग करके दिखा देता हूँ, इसलिए यहाँ पे भी जब राइड करोगे तब पता चलेगा, यहाँ पे नहीं पता चलेगा। इंडिकेटर भी ऑन कर देते हैं, ये रहा इंडिकेटर, कुछ ऐसे दिखने वाला है। और रियर वाले सेक्शन की बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं, ये रहा रियर की टेल लैंप, आपको LED मिल जाएगी जो कि ऐसा जैसे आपको एक्स ब्लेड एंड हॉर्नेट में देखने को मिलता है, ये रहा रियर का इंडिकेटर LED। और अभी हम सबसे पहले, और एक बात मैं बता दूँ, इसमें आपको हज़ार्ड लाइट मिल जाएगी जिसे आप पार्किंग लाइट बोल सकते हो, मैं ये भी मैंने ऑन कर दिया है। तो ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी पार्किंग लाइट। अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देते हैं और लास्ट में इसका एग्जॉस्ट साउंड भी मैं आपको सुनाऊंगा। सो अभी हम फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं सामने चल के। ये सामने से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, बहुत ही मस्कुलर सा लुक आपको मिल जाएगा, देखने में बहुत ही एकदम भौकाली बाइक जैसी लग रही है। और यहाँ पे आपको नकल गार्ड मिल जाएंगे हैंडल बार पे। सो अभी हम चलते हैं इस बाइक के हेडलाइट वाइजर की बात कर लेते हैं, साइड प्रोफाइल की, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ग्राफिक्स वर्क मिल जाएंगे रेड एंड सिल्वर का। और उधर की बात करें तो उधर की भी मैं दिखा देता हूँ, इधर भी आपको सेमी ग्राफिक्स मिल जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हो। और अभी हम इसके मडगार्ड की बात करें तो आपको फुल ब्लैक कलर मिल जाएगा जो कि ग्लोसी फिनिश में है, थोड़ा अलग सा डिज़ाइन दिया है, काफ़ी कफ से शेप हैं जो कि देखने बहुत ही स्पोर्टी फील बना रहे हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सा ब्लैक कलर मैट फिनिश में दे दिया गया है और यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सस्पेंशन की बात करें तो आपको गोल्डन कलर में USD फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छा सस्पेंशन होता है। और रियर का पहले मैं दिखा देता हूँ, रियर का ये रियर में आपको मोनो शॉक मिल जाएगा, वो भी अच्छा सस्पेंशन होता है, आपकी राइडिंग क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर देता है। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं, आपको इसमें टायर मिल जाएंगे ट्यूबलेस टायर। ब्रांड की बात करें तो आपको MRF ब्रांड का टायर मिलने वाला है और ब्लॉक पैटर्न वाले आपको टायर मिलने वाला है, इससे आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। और इसकी साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको साइज़ मिलने वाली है दोस्तों 110x70 जो कि अच्छी खासी टायर साइज़ आपको मिल जाएगी फ्रंट में। और रियर का पहले मैं दिखा देता हूँ, रियर का ये रहा, रियर में आपको टायर साइज़ मिल जाएगी 140x70, अच्छा खासा आपको वाइडर टायर मिलने वाला है रियर में। और ब्रेक कैलिपर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको निफिन का ब्रेक कैलिपर मिल जाएगा रियर में जो कि गोल्डन कलर का है। अभी हम ब्रेक की बात यहीं पे कर लेते हैं, आपको इसमें डुअल डिस्क मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें, फ्रंट में आपको 276 mm का मिलने वाला है, बड़ा डिस्क साइज मिल जाएगा। रियर में आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा,
220 mm का डिस्क जो कि वेंटिलेटेड डिस्क रहने वाला है, आप देख सकते हो। और ब्रेक कैलिपर आपको निफिन के मिल जाएगा रियर में, और फ्रंट में चल के हम देख लेते हैं। फ्रंट में भी आपको निफिन का मिल जाएगा जो कि गोल्डन कलर का है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है गोल्डन कलर का ब्रेक कैलिपर। और इसके मडगार्ड की बात करें तो एक्सटेंड होकर एकदम आपके सस्पेंशन से अटैच है, जो कि बहुत ही स्पोर्टी फील आ रहा है। और रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा दोनों तरफ। और इसमें व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी, जिसकी साइज आपको फ्रंट में 17 इंच मिलेगी और रियर में भी आपको सेम ही मिलने वाले 17 इंच। और एक बात बताना मैं भूल गया, इसमें आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS, जो कि आज के टाइम में हर एक बाइक में होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और अभी हम आगे चलते हैं। ये रहा इसका इंजन कॉल, जो कि यूनिक डिज़ाइन के साथ में आता है, अच्छे से प्रोटेक्ट किया है इंजन को। आप लेग गार्ड भी अलग से लगवा सकते हो, वो शोरूम पर विजिट करोगे तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा। और आपका कैटलेटिक कन्वर्टर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसे हम BS6 की पहचान मानते हैं। बाकी इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाले, होंडा की ब्रांडिंग। और ये रहे इसके ग्राफिक्स, अभी आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा। एंड 200X की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी विद स्टिकर वर्क। और नीचे बात कर लेते हैं इसके इंजन की, आपको फुली ब्लैक कलर में इंजन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग। अभी हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं, इसमें आपको इंजन मिल जाएगा 184.4 cc का इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको मिलने वाले 16.5 PS एट 8500 RPM, और आपको टॉर्क मिलने वाला 15.5 Nm एट 6000 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक वॉल्व मैंने देखा, लेकिन मुझे वेबसाइट पे मिला नहीं कितना है, आई थिंक मुझे लग रहा है टू वॉल्व होगा, फोर वॉल्व मुझे नहीं लग रहा है। इसमें आपको मिल जाएगा एयर कूल FI, और साथ में आपको मिल जाएगा 5-speed गियरबॉक्स। गियरबॉक्स कैसे लगेगा आगे मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। सो यहां पे देखिए तो ये आपका होगा ब्रेक पैड राइडर फुटरेस। ये रहा इसका एग्जॉस्ट, जो कि कुछ ऐसे आपको मिलने वाला है, ये मेटल वर्क के साथ में आता है। ये रहा आपका पिलर राइडर फुटरेस, जो कि फोल्डेबल है। और यहां पे आपको CB200X की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये आपको ग्रे कलर में मिलने वाला है, यहां पे आपको अलग सा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। और ये आपको मैट फिनिश में मिलने वाला है, ब्लैक कलर सिंपल सा। यहां पे आपको थोड़ा यूनिक सा टेक्सचर मिल जाएगा, जो कि थोड़ा प्रीमियम फील दे रहा है। बाकी यहां पे आपको कप से सेम मिल जाएंगे, ताकि आपका लेग सपोर्ट अच्छे से मिले और राइड आप बहुत अच्छे से कर पाओ। और टैंक की बात करें तो ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ में मिलने वाला है, बाकी आप देख ही सकते हो। बाकी आगे हम डिटेल से टैंक के बारे में बात करने वाले हैं। और इसे सीट काउल की बात करें तो आपको सिंपल सा ब्लैक कलर मिल जाएगा ग्लोसी फिनिश में, ये आपका मैट फिनिश में है, ऐसा कुछ सिंपल सा मिलने वाला, ज्यादा स्टिकर वर्क यहाँ पे नहीं है। ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू, ये बाइक राइट साइड से ऐसे कुछ दिखने वाली है, अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं इस बाइक के रियर साइड में, और इसके टेल वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। ये रहा इसका टेल लैंप, आपको LED मिल जाएगी। और ये रहा आपका रियर का मडगार्ड, आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट वाली लाइट, ये रियर के इंडिकेटर। और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश का टेक्सचर देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम फील दे रहा है। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड में। सो ये लेफ्ट साइड से ऐसे कुछ मिलने वाली, यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा शायद, या फिर ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे छोड़ा गया है सारी गार्ड कैरी करने के लिए, देखते हैं मतलब जब आप डिलीवरी लोगे तब वो शायद लगा के दे देंगे। ये रहा आपका पिलर राइडर फुटरेस्ट, और आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी, जो कि कुछ ऐसे रहने वाली है, ऊपर से इसको कवर किया गया है। सो ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट, ये रहा गियर पैड। गियरबॉक्स की बात करें तो आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाएगा, एक आपका नीचे लगेगा, बाकी के 4 पीछे की तरफ लगने वाले हैं, सिंगल स्टैंड डुअल स्टैंड। और ये रहा आपका इंजन कॉल, जैसे हमने उधर देखा था वैसा ही कुछ डिज़ाइन है। और ये रहा इंजन, और CB200X की ब्रांडिंग। एंड सीट काउल इधर से कुछ ऐसे दिखने वाला है, यहाँ पे आपको 200X की ब्रांडिंग टैंक पे होंडा का लोगो। सो आपको सेम ही डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स वर्क इधर मिलने वाला है, जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू, लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। सो अभी हम इस बाइक के सीट की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको ऐसी कुछ सीट मिल जाएगी, स्प्लिट सीट मिल जाएगी। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, इस बाइक को आप हाईवे पर आराम से चला सकते हो, सिटी में चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और पिलियन कम्फर्ट आपको ओके टाइप का मिलेगा, ज़्यादातर अगर लॉन्ग राइड करते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, एंड छोटा मोटा लॉन्ग राइड करते हो, थोड़ा बहुत एडवेंचर करते हो, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और ग्रैबरेल आपको मिल जाएंगे, जो कि ऐसे कुछ स्टाइल में आपको मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको पिलियन राइडर के लिए ओके टाइप का कंफर्ट मिल जाएगा लॉन्ग राइड के लिए, लेकिन राइडर को अच्छा खासा कंफर्ट मिलने वाला है, और इसका राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है। सो अभी हम इसके टैंक की बात कर लेते हैं। ये रहा इसका टैंक, इसका टैंक सस्ती में बोलूँ ये हाईलाइट है, आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन कैसे है टैंक का, मैं उधर से भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा, और इसके टैंक की बात करें तो आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा 12 लीटर का। और इसकी माइलेज की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको माइलेज मिल जाएगी 35 के आसपास, या फिर 30-35 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। इसमें आपको ये सब फाइबर वर्क के साथ में मिलने वाली है पूरी बॉडी। और ये रहा आपका फ्यूल कैप, अगर ये मेटल वर्क के साथ में दे देंगे इसका वेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और इसे चलाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये सब फाइबर वर्क किया गया है। और अभी हम चलते हैं इसके मीटर कंसोल पे। ये रहा इसका मीटर कंसोल, ये हम ऑन करके देख लेते हैं, आपकी की यहाँ पे लगने वाली है। सो मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपका RPM शो करेगा, 9000 के आसपास आपका RPM आराम से चला जाएगा। ये स्पीड
टाइम बताएगा कितना किलोमीटर बाइक चले। यहाँ पे आपको मिल जाएगा गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये फ्यूल का, ये राइट लेफ्ट का इंडिकेटर, एंड सेट एंड रीसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ABS की लाइट, अपर डिपर इन न्यूट्रल, इंजन माल फंक्शन लाइट। सो यही आप यही सब आपको मिलने वाला है। ये थोड़ा सा कार्बन फाइबर का स्ट्रक्चर, होंडा का लोगो। सो ये रहा इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के हैंडल बार की। ये टोटल हो गया, और आपको नकल गार्ड मिल जाएंगे आपके हाथ को प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपका हो गया ब्रेक लीवर, किल स्विच, पार्किंग लाइट, एंड ये आपका हो गया सेल्फ का ऑप्शन। और इसमें आपको वन पीस में मतलब सिंगल हैंड रेसिंग बार आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत क्वालिटी के दिख रहे हैं। और ये आपका हो जाता है अपर डिपर इंडिकेटर हो गया। ये आपका हॉर्न काफ़ी लाउड है। यहाँ पे आपको पासिंग का मिल जाता है, ये आपका क्लच लीवर। सो आप देख सकते हो ग्लास आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे, मैं उधर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे आपको अलग सा टेक्सचर मिल जाएगा। अभी हम इस बाइक के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इस बाइक की लेंथ आपको मिल जाएगी 2035 mm, विड्थ आपको मिलने वाली 843 mm, और इस बाइक की हाइट की बात करें तो आपको मिल जाएगी 1248 mm, और इस बाइक की सैडल हाइट आपको मिल जाएगी 810 mm, और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला, जो कि एडवेंचर बाइक के लिए ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, आपको मिल जाएगा 167 mm का। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। व्हील बेस आपको मिलने वाले 1335 mm, और इस बाइक का वेट है 147 kg। और प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया है, सो आपको ये अच्छे प्राइस पैकेज में मिलने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑन रोड प्राइस आपको विद एसेसरीज पड़ने वाला 1,74,865 रुपये। और प्राइस को लेकर आपको डिटेल चाहिए तो स्टार्टिंग मैंने इंश्योरेंस, RTO सब कुछ का आपको डिटेल, एसेसरीज का भी प्राइस बताया, सो आप स्टार्टिंग में देख सकते हो। एक बात मैं बोलना चाहूँगा इस बाइक को लेकर, इस बाइक में आपको अच्छा खासा लुक मिल जाता है, एडवेंचर लुक वाला, साथ में सारे फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, और बनाई बहुत अच्छी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। सो अगर आप देख रहे हो एक 200cc की एडवेंचर बाइक, तो आप इसकी तरफ आसानी से जा सकते हो, जो कि आपको अच्छे प्राइस पैकेज में मिलने वाली है। मुझे लग रहा है ये एक वैल्यू फॉर मनी बाइक रहने वाली है इस प्राइस रेंज में। और आप लोग क्या लगता है आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ। और इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। और ये जो शोरूम है पड़ने वाला है मुंबई में अंधेरी वेस्ट में है। इनका दो शोरूम है, एक ईस्ट में भी है एक वेस्ट में भी है, सो आप कहीं भी विजिट कर सकते हो। और आप लोग बताओ आप लोग ये बाइक कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।